और जब राजनीति इस तरह की होगी जिसमें मनुवाद प्रोपोगेट हो, जिसमें संघवाद प्रोपोगेट हो, जिसमें एक स्पेसिफिक आइडिया लेके आप हिंदूवाद बनाना चाहते हैं, और उस वो हिंदूवाद जिसमें ये जिसमें कहा जाता है कि उस हिंदूवाद में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिला को सिर्फ आप चूल्हे की फुकनी समझ के जिस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे आप आइडियोलॉजी के थ्रू, उस देश में महिला की क्या हालत होगी। अगर व्हाट्सएप ने ये बता दिया कि हिंदू धर्म पे खतरा है तो खतरा है, फेसबुक से पता चल गया कि जो है पाकिस्तानी देश में घुस रहा है, तो फिर देश में प्रधानमंत्री के क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप ही खड़े होकर सड़क पर ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखे बहुत खराब रहे हैं, उनकी वजह से आज हमें गालियां पड़ती हैं। आज ये जो धर्म है, ब्राह्मण पैदा थोड़ी होना चाहता था। जेएनयू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ शशि भूषण समद हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल रहते हैं, फी हाइक को लेकर भी, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हैदराबाद में जो महिला डॉक्टर का रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर लोग जो जेएनयू के छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं। कैसे देखते हैं पहले तो इस पूरे मामले को और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जब चाहे महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, जब जब इस तरह का माहौल उठेगा, इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, तो देश में ये सारी घटनाएं आम हो जाएंगी। हम कुछ दिन में ये घटनाएं होती रहती हैं हमारे यहाँ आसपास, और हम कुछ कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम दामिनी भूल गए, हम उन्नाव भूल गए, और हम ऐसे ही हैदराबाद भी भूल जाएंगे। तो ये जो एक सिस्टम है, जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और जिस लिए ये होता है, ये इम्पॉर्टेंट है सोचना समझना। जब एक देश का नेता से लेकर जनता तक एक काम में इन्वॉल्व रहेगा तो क्या होगा देश का। आज उन्नाव में जो केस हुआ, जिस तरह से दबा दिया गया मामला और दबाने की कोशिश की गई, उस प्रकरण में परिवार वालों को किस तरह से मारा गया, और ये विधायक कर रहा है, सोचिए। तो जनता से भी यही उम्मीद करेंगे हम, और फिर जनता किसका एग्जाम्पल देख के करती है। आप बड़े बनते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारी मम्मी कल कह रही थी कि जो नेता लोग आते हैं कितने आराम से गरीब के घर में बैठ के खाते हैं नमक पानी, उनका खाते हैं और उनका भी एक दिन का खाना खा के चले जाते हैं, इस उसमें कि मैं बड़ा दयालु हूँ और मैं बड़े आराम से यहाँ पर बैठा हूँ। तो जब भी इस तरह की चीज़ें महिलाएँ इस देश में, आज लाख विमेन एम्पावरमेंट की बात करिए, कह ली जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह का ख़तरा है वो इस सरकार से ज़्यादा किसी सरकारों में नहीं रहा। और हम ये समझते हैं कि 21वीं शताब्दी में जब हम जा रहे हैं तो हम एक तरह से सोचते समझते और कुछ करते हैं उसके बाद, लेकिन प्रशासन से, समाज का जो एक जिस तरह से क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजनीति ही समाज को एक दिशा देती है, और जब राजनीति इस तरह की होगी जिसमें मनुवाद प्रोपोगेट हो, जिसमें संघवाद प्रोपोगेट हो, जिसमें एक स्पेसिफिक आइडिया लेके आप हिंदूवाद बनाना चाहते हैं, और उस वो हिंदूवाद जिसमें ये जिसमें कहा जाता है कि उस हिंदूवाद में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिला को सिर्फ आप चूल्हे की फुकनी समझ के जिस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे आप आइडियोलॉजी के थ्रू, उस देश में महिला की क्या हालत होगी। चिल्लाइए आप देश बेटी बचाओ। देखा जाए तो इसमें भी जैसे ही ये मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स स्टेटमेंट आने लगे लोगों के, और कहने लगे कि मारने वाला आज देखो फिर मोहम्मद निकला। तो इसको आप कैसे देखते हैं समाज में, मतलब एक साथ उठ के खड़े होना चाहिए था कि इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि जो गलत कर रहा है वो, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, कोई नहीं है, कोई अल्लाह कोई ईश्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जाति से तो ब्राह्मण हूँ, मैं अगर यहाँ मेरे साथ कुछ होता है तो क्या फैला देंगे, कोई अगर मुसलमान मुझे भी मार दिया तो यही कहेंगे कि देखो ब्राह्मण को मार दिया। जो मुद्दा है कि एक रेप हुआ है और वो बहुत ब्रूटल है, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो कोई भी करने वाला हो गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उस स्पेसिफिक आदमी के खिलाफ। उसमें आपको धर्म लाने की क्या ज़रूरत है, कुरान पढ़ के या गीता पढ़ के जाके थोड़ी खोई करता है काम, वो इस तरह की चीज़ें पढ़ के थोड़ी कोई करता है, वो एक स्पेसिफिक आदमी है जिसका असर, जिसकी गलती का असर समाज पे पड़ा है, महिला पे पड़ा है, और एक पूरी महिला
एक पूरी जो धरोहर है उस पर पड़ता है। हमें उस पर बात करनी है, ना कि मुसलमान था इसलिए कर दिया जी। उस तबके का बहिष्कार होना चाहिए जो रेपिस्ट में धन देखकर। अब बिल्कुल तब उसमें बहिष्कार होना चाहिए कि आप नहीं समझते ऐसा? अच्छा ये बताइए शशि भूषण जी कि ये जो सोच है जो आज खुले तौर पर सोशल मीडिया पर लिख देती है, ये कहाँ से पैदा होती, कब कब से ये सामने आई है? जैसे सर हमारे हमारे देश में कठुआ, जब कठुआ मामला जब सामने आया तो वहाँ पर भी बीजेपी के नेता उसमें सामने थे और आरोपियों को बचाव में उन्होंने रैली निकाली थी। ये जब से सर जियो यूनिवर्सिटी का प्रोपोगंडा आया है तब से लोग व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं और फेसबुक पढ़ रहे हैं, किताबों से कोई मतलब किसी को नहीं है। तो व्हाट्सएप फेसबुक से जो चीज़ें इनके भक्त लोग इन्हें बता देते हैं वो चीज़ें ये जो है वही गुरु मंत्र मान के उस चीज़ को लेते हैं और रखते हैं। अगर व्हाट्सएप ने ये बता दिया कि हिंदू धर्म पे ख़तरा है तो ख़तरा है, फेसबुक से पता चल गया कि जो है पाकिस्तानी देश में घुस रहा है तो फिर देश में प्रधानमंत्री के क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री घुस रहा है पाकिस्तानी। तो ये जो शिक्षा का अभाव है किसी चीज़ में, शिक्षा के अभाव के नाते, और शिक्षा के अभाव नहीं, शिक्षा को मोल्ड कर दिया गया। एजुकेशन जिस चीज़ पे होनी चाहिए थी वो हमारे देश में है। अब आपने जो मैं कल भी कहा था, कल आपसे बातचीत हो रही थी उसमें मैंने ये कहा था कि विवेकानंद जो है सिगरेट पीता था या बीड़ी पीता था या जो है गांजा पीता था, इसका पूरा एविडेंस मेरे पास है। बहुत सारे लोग वो सुनेंगे तो कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है, धर्म विरोधी आदमी है, नैतिक अनैतिक आदमी है। लेकिन भाई पढ़ ले यार, थोड़ा सा पढ़ो उसको और देखो उसमें कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद कह रहे थे तो मैं क्या करूँ, मैं तो विवेकानंद की बात को सामने आगे रख रहा हूँ। और हाँ जी, आपने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आपकी जाति ब्राह्मण है, लेकिन आप ही खड़े होकर सड़क पर ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पुरखे बहुत खराब रहे हैं, उनकी वजह से आज हमें गालियाँ पड़ती हैं। आज ये जो धर्म में ब्राह्मण पैदा थोड़ी होना चाहता था, मैं किसी जाति में पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी माँ ने एक बच्चा पैदा किया है जो मैं बड़ा होके बना, इसमें मेरी जाति का कोई योगदान नहीं है। हाँ इस देश में खासकर नॉर्थ इंडिया में हर पैदा होने वाला शख्स पहले तो ब्राह्मणवादी होता है या जिस सर्कमस्टेंसेस में वो पैदा होता है उस तरह से वो बढ़ता है, पलता बढ़ता है। तो लगभग हर आदमी धर्मनिष्ठ और इस तरह का बच्चा उसको बनाया जाता है, लेकिन मैं नहीं रहा वैसा या रहा, ऐसा नहीं रहा कि नहीं रहा, शुरू से ऐसा नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखी, जब ये देखा कि ये धर्म कहता है कि जो है महिलाओं को जो है पुरुष के अधीन रहना चाहिए, जब ये धर्म कहता है कि एक दृष्टिबाधित इसलिए दृष्टिबाधित हुआ क्योंकि पिछले जन्म में उसने कोई कुछ ऐसा किया होगा इस वजह से इस जन्म में उसका ऐसा हुआ, जब ये धर्म ही कहता है कि हमको कुछ दान किया जाए तो जो है बहुत कुछ अच्छा होगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कि मैं अंधा हूँ तो मैं क्यों वो धर्म मानूँगा? और ये धर्म की सच्चाई, यही धर्म की सच्चाई है। हमारी माँ जो धर्म मानती है वो धर्म देश में कहाँ है कि शांति से अपना काम करो, अगर कोई जो है पूजा करने का मन किया अपने घर में पूजा किया, दूसरे को उससे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये देश में नहीं हो रहा है। आज हिंदूवाद के नाम पे, आज जातिवाद के नाम पे, आज कम्युनल एंगल्स से लोग एकदम काटमार पे उतर आ जा रहे हैं और ये व्हाट्सएप फेसबुक आ लोग पढ़ना बंद कर दिए। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप जो बता दिया जाएगा वही मान लेंगे। देखिए सर, ब्राह्मणवादी सोच के हर ब्राह्मण का विरोध किया जा रहा है, जिसने अपने अंदर मनुवादी संकीर्णता रखी है विरोध उसका होता है। विरोध हाँ, वो एक कास्ट जो है ना सर, उस कास्ट ने सदियों से ऑपरेस किया है लोगों को, ठीक है। अब अगर महिला खड़ा होकर ये कहती है कि उसको उसका अधिकार दो, और अगर महिला ये कहती है कि वो खाना नहीं बनाएगी तो वो खाना नहीं बनाएगी, वो ये काम नहीं करेगी तो वो काम नहीं करेगी, जो अगर वो साड़ी नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी, उसको अगर जो कपड़े पहनने हैं, जैसे रहना है समाज में उसको वैसे रहने का हक है, किसी भी विकलांग को उसके अपने शर्तों पर जीने का हक है, किसी भी दलित को अपने जीवन को जिस तरह से वो जीना चाहता है उतनी एक्सेसिबिलिटी, उतनी इंश्योरेंस के साथ उसको जीने का हक है। जब तक वो नहीं, अगर उसको नहीं, और जो इसलिए हक है क्योंकि ये सारा जो ऑपरेशन हुआ, दलितों को किसने दबाया,
ब्राह्मण छात्री मनुवादी सोच ने, महिलाओं को किसने दबाया शुरू से, इस सोच ने, इस प्रवृत्ति ने, विकलांगों को कौन ये सब बोलता है कि जो है पुराने जन्म का ये पापी है, और जो है ये कौन बोलता है कि इनको जाके, अब हम पुराने जन्म के पापी भी हैं और हमको अगर कोई दान भी करे तो पुण्य भी पा लेगा, मतलब पाप का पूरा धरोहर हमारे ही ऊपर कंधे पे मर दिया गया है कि मतलब हम ही को नर्क लिखा है, आप तो जाएंगे। तो ये जो एक सोच है जिस तरह की ये देश में फैलाई जाती है, एक एक प्रोपोगेशन के थ्रू आता है, और इसलिए ब्राह्मणवाद का विरोध करना ज़रूरी है, इसलिए उस शख्स का विरोध करना ज़रूरी है जो अपने आप को ब्राह्मण कह के इस तरह की मेंटेलिटीज़ फैलाता है सोसाइटी में। यही तो कह रहे हैं सर कि जब देखिए, हम अगर इस एक इतिहास के दृष्टिकोण से इसको देखें तो आप ये मानते हैं कि पहले धर्म नहीं रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा, आदमी पैदा हुआ, एक सोशल स्फीयर में रहना शुरू किया, गांव बने, अब अपने आप को सुप्रीम कैसे बताया जाए उसकी वजह से आता है धर्म। और यहाँ दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से दिख रही हैं कि बारिश हो रही है और जो है क्या कहते हैं पेड़ से फल निकल रहे हैं, बिना वैसे ही निकल रहे हैं, तो ये जो नेचर रहा इसको देख के लोगों ने एनालाइज किया कि ये भगवान जैसा कुछ हो सकता है, एक स्पिरिचुअल पावर, और उसके बाद इसको प्रोपोगेट कर दिया वेदों में, धर्मों में। ये लोग कम थे इसलिए जो लोग पावरफुल थे उन्होंने एक आदमी, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी पे थोप दिया कि तुम्हारी कम्युनिटी ये काम करेगी, जो काले दिख रहे हैं वो शूद्र हैं, वो जूते का काम करेंगे, हम गोरे दिख रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मलाई खाएंगे बैठ के। तो ये जो पूरा जिस तरह से तैयार किया गया उसके थ्रू आज जो है वो अशूद्र आज बना रह गया हरिजन चमार, और वो जो है मोची का काम करे, वो अगर डीएम बन जाता है तभी भी उसको लोग यही कहते हैं कि अरे यार क्या कर पाएगा, चमार है वो। तो इस तरह की जो सोच है आज भी हमारे घरों में आप जाके देखिए, मेरे खुद के घर में जो दलित हैं उनके लिए अलग गिलास का व्यवस्था किया गया है चाय देने के लिए, आज भी मेरे घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। करने वाला था मतलब आपके समाज के जो आपकी जाति से लोग आते हैं या आपके घर आपकी फैमिली में, वो नहीं कहते कि आप हमारे खिलाफ नारेबाजी, आप तो क्रांतिकारी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऊपर भी सवाल उठते हैं, मेरा घर मेरे इस बात के लिए सपोर्ट में है कि हम शिक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे चाचा का स्टेटमेंट भी आया था, वो बीजेपी के वो हैं क्या कहते हैं किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बराबर मेरी बहस होती रहती है, हर बात पे झगड़ा होता है, कहीं एक वो नहीं है, लेकिन एक वो बात ये समझते हैं कि शिक्षा की बात है और एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, और हमें एजुकेशन इंश्योर करना पड़ेगा, एक्सेसिबल एजुकेशन देना पड़ेगा, ये बात वो समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर हम नहीं आज लड़ेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं इतने फीस दे के नहीं पढ़ सकता, इसलिए मुझे लड़ना ज़रूरी है। देखिए सर, लोग हमारे आसपास, आप भी हमारे ही हैं अगर आप ये सारी बातें मानते हैं तो, और अगर मैं अपने स्तर से बोल के दो लोगों को भी ये बता पा रहा हूँ कि भाई ये गलत है, और वो दो लोगों को और बता रहा है, तो मैं अपनी अचीवमेंट समझता हूँ। मैं ही नहीं जानता कि देश मुझे किस तरह से देखता है, मैं इसमें जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मुझे अपना काम करना है, सच बोलना है, जो बात सही है। मुझे फ़ैन फॉलोइंग कभी नहीं चाहिए थी, आज भी नहीं चाहिए, मुझे अपना काम करना है, जो जो अपने स्तर से समाज की मदद से, समाज के एक ऐसे तबके से जो समाज की वास्तव में मदद करना चाहता है, उनके मदद से जो कुछ भी सोसाइटी के लिए मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा।